है सोमकृष्ण टवर राजस्थान हंगामा न्यूज प्रभारी। आज हम हरियाणा के पानीपत जिले में आए हुए हैं, जो 20 तारीख से भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न अवार्ड फेडरेशन की चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। तो हमारे राजस्थान हंगामा न्यूज की टीम ने सर्वे किया और हमने पता लगाया कि चैंपियनशिप किस आधार पर की जा रही है। तो हमारे पास से चैंपियनशिप फेडरेशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और ट्रेजर हमारे पास बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, आप पूछिए। मेरा नाम प्रोफेसर संदीप भल्ला है और मैं भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न अवार्ड फेडरेशन का और साथ ही भारत मार्शल आर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक मार्शल आर्ट को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है पूरे इंडिया पे, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और अभी जैसा कि आपने बताया, आपको मालूम है कि 20 से 23 जुलाई को पानीपत में जो इंटर वो हो रही है, चैंपियनशिप हो रही है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप अगर क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे बताएं कि क्या जानना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा आपको। सर, जो ये अवार्ड फेडरेशन होने जा रही है, ये किस आधार पर अवार्ड दिए जाएंगे? देखिए, इसमें हमने जितने भी पूरे इंडिया से मार्शल आर्ट के खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए दो प्रकार की कंपटीशन की व्यवस्था की है। सबसे पहला जो कंपटीशन होगा वो अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, 16 और 18, पांच एज कैटेगरी में हमने ये कंपटीशन रखा है, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने तीन खेल रखे हैं, ताइक्वांडो, किकबॉक्सिंग और कराटे। और ये तीनों ही खेलों का कंपटीशन जो है बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग रहेगा उनके एज के अकॉर्डिंग। और ये जो कंपटीशन हमने रखा है, दो चरणों में रखा है हम कह सकते हैं। पहला चरण रहेगा भारत मार्शल आर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, भारत मार्शल आर्ट विकास बोर्ड के अंडर जो प्रतियोगिता होगी उसमें हम बच्चों की प्रतियोगिता करवाएंगे, उनके एज वाइज जो उनकी ग्रुपिंग करके उनका कंपटीशन होगा। और अलग अलग ग्रुप में जो बच्चे स्वर्ण पदक लेंगे, गोल्ड मेडल लेंगे, उनको फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई माना जाएगा, वो अगले राउंड के लिए आएंगे। वो अगला राउंड जो होगा वो होगा भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न अवार्ड फेडरेशन के अंडर। उस फेडरेशन के अंडर हमने ये पहल की है, हमारे माननीय कमर धीमान जी हमारे साथ बैठे हैं, जो कि हमारी इस एसोसिएशन के पूरी फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। इनके और हमारी पूरी कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ राय करके हमने ये पहल की है कि पूरे इंडिया के अंदर हजारों मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि खेलों में अपना पूरा जीवन, विशेषकर मार्शल आर्ट खेलों में जिसमें कि अलग अलग फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि ताइक्वांडो, किकबॉक्सिंग, कराटे, जुजुत्सु, जूडो, इस तरह की बॉक्सिंग, ये सारी जो मार्शल आर्ट हैं उनमें अपना पूरा पूरा जीवन लगा चुके हैं, लेकिन आज तक ना ही तो सरकार की ओर से और ना ही किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऐसा कभी भी नहीं किया गया कि इन मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षकों को हम लोग सम्मानित करें। तो हमारी जो भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न अवार्ड फेडरेशन है, इसके माध्यम से हम ये पूरे इंडिया में पहल करने जा रहे हैं। हमने आमंत्रण किया है पूरे इंडिया से मार्शल आर्टिस्ट को कि वो लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ें और अपना अपना परिचय दें, अपनी अपनी प्रीवियस जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। हमने अपनी फेडरेशन के माध्यम से उनका आवेदन लिया, काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ा उत्साह दिखाया, पूरे इंडिया से लोगों ने, काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं और इनको हम खेल रत्न की कुछ उपाधियां हमने निश्चित की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उन उपाधियों से सम्मानित भी करेंगे। और साथ में जो बच्चे पहला राउंड क्लियर करके अगले राउंड में आएंगे, उस राउंड में जो गोल्ड मेडलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लोग आके खेलेंगे और गोल्ड मेडलिस्ट में से जो फर्स्ट आएगा उसको हम भारत खेल रत्न अवार्ड फेडरेशन की ओर से भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न की उपाधि भी देंगे और उसको हमें बहुत अच्छा एक बच्चों के लिए हमने उनके मोटिवेशन के लिए रॉसेट बनवाया वो देंगे, साथ में उनका अप्रिसिएशन अवार्ड देंगे और खेल उपाधि के साथ साथ 5100 रुपये हर आयु वर्ग में लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग हमने नगद पुरस्कार भी देकर प्रोत्साहित करना है। ये थे प्रोफेसर संदीप भल्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ कोचों के लिए भी अवार्ड रखे गए हैं, वो हमें मिस्टर कंवर सिंह धीमान बताएंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं कंवर धीमान, निदेशक भारत मार्शल आर्ट डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना जीवन इस भारत के लिए मार्शल आर्ट्स की लाइन में लगाया है, जो पर्दे के पीछे भारत की सेवा कर रहे हैं, उनको उजागर करने हेतु हमने ये कदम उठाया। सर, जो आपने कोचों के लिए जो अवार्ड रखे हैं उनकी क्या उपाधि है, थोड़ा बताओ डिटेल से। हम देखें, जिनको 10 वर्ष से ऊपर
सेवा करते हुए हो चुके हैं, जो पारंगत हैं, जो परफेक्ट हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम, जिन्होंने नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने नाम और भारत के नाम को मतलब वो किया है, उन्हीं को हमने उजागर करने हैं तो ये कदम उठाया है ताकि भारत पूरे विश्व में सब जान सके। अवार्ड, इसमें हमने चार तरह के अवार्ड्स रखे हैं हमारे मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षकों के लिए। सबसे बड़ा इसमें रखा गया है महागुरु की उपाधि से सम्मानित करना। महागुरु की उपाधि से सम्मानित करने के लिए जिनके 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा करते हुए हो गए, जिन्हें दुनिया जानती नहीं, उनको आगे लाने के लिए हमने ये कदम उठाया। दूसरा गुरु जिनके एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए हमने ये उपाधि रखी है। सवोर्ड जो 18 साल तक की एज के रखे गए हैं, उनके लिए तीखी तलवार का टाइटल रखा गया है। और आचार्य के लिए जो जिनकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है और 5 वर्ष का वो अनुभव रखते हैं और परफेक्शन अपने इसमें है आर्ट में, तो हम उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे पास, हमने समस्त भारत को सूचित कर दिया है और फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी संसाधन है उनके जरिए हमने पूरे भारत के मार्शल आर्टिस्टों को सचेत कर दिया गया। हमारे पास इनके इंक्वायरीज भी और इनके जानकारी भी इस विषय पर मतलब आ रही है और बहुत से प्रशिक्षकों ने हम पर आवेदन भी भेजे जिन्हें हम सम्मानित करेंगे। ये थे इस फेडरेशन के अध्यक्ष कमल सिंह धीमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हंगामा मंच के जरिए हमें सूचना दी। अब हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास से इस फेडरेशन के ट्रेजर बैठे हुए हैं, ये हमें बताएंगी कि किस तरह महिला को हम आगे ला सकें, किस तरह हम गर्ल्स को आगे कर सकें, वो मैसेज हम आप लोगों को पहुँचाएंगे। मैडम आपका नाम बताइए। आप इस फेडरेशन के थ्रू, इस चैंपियनशिप के थ्रू महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह आप आगे बढ़ा सकते हो, थोड़ा बताएंगे आप, मैसेज दोगे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मैसेज? बस लड़े आजकल जो देश में हो रहा है तो उसके लिए लड़कियों के लिए जरूरी है, जैसे इस तरह की चैंपियनशिप वगैरह में भाग लेना या सेल्फ डिफेंस सीखना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, कि लड़कियों को आगे लाएँ माता पिता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे एक क्वेश्चन बना था कि लड़कियों को कैसे आगे लेके आए, वुमेन्स जो औरतें होती हैं उनको किस तरह आगे लेके आए, वो हमें प्रोफेसर संदीप भल्ला बताएंगे। एक मैसेज सर हमारी गर्ल्स के लिए। मैं समस्त भारतवर्ष की बेटियों के लिए विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों को, हालांकि कोई शक नहीं है कि आज की डेट में हमारी बेटियाँ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं, लेकिन साथ ही मैं एक आत्मरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूर चाहूँगा, जिस तरह से हमारी सरकार ने भी ये मुहिम चलाई है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर शिक्षण संस्थाएं हैं या अब कारोबारी संस्थाओं में भी उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि हमारी बेटियां योग करें और सभी योग करके स्वस्थ हों मानसिक और शारीरिक रूप से, तो सेम इसी तरह से मैं चाहता हूँ अपनी सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा और अपने जितने भी हमारे समाज में माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि योग और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ हम मार्शल आर्ट में भी अगर अपने बेटियों को आगे लाएं तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट सीखने में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिनको सीखने से आत्मरक्षा के गुर भी उनके अंदर डेवलप होंगे हमारी बेटियों में, और उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ता है और साथ में उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, और लड़कियाँ बेटियाँ हमारी सुरक्षित होके कहीं भी निडर होके आना जाना कर पाएंगी और हर क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने के लिए मार्शल आर्ट उनके लिए बहुत सहयोगी होगी। तो यही मेरा आग्रह है कि हम सभी, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर अपनी बच्चियों को, बेटियों को मार्शल आर्ट में और खेलों में आगे लाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप भल्ला का। मैं सोमी सिंह तंवर, राजस्थान प्रभारी, कैमरामैन टेकराम के साथ।